वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 22 जो कि है 24 अगस्त की। ये वर्कशीट है क्लास 10th की। इसमें हम देखेंगे पहले साइंस, फिर मैथ्स और फिर हिंदी। आइए चलते हैं, हम अपना साइंस का जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वर्कशीट में भी हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेसेस के अंदर कुछ प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं आपको लिविंग बींग कहने के लिए। बेसिकली यहाँ पर है, द फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस शो बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। और सबसे पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इन टू एनर्जी। सो बेसिकली जैसे आप भी खाना खाते हैं, खाना खाना और उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है जिसको हम रिगार्ड भी नहीं करते। तो ये हर एक लिविंग बीइंग के अंदर इम्पॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो हमारी बॉडी एक नेचुरली करती है। न्यूट्रिशंस आर द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो बेसिकली एक एनर्जी है। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। सो बेसिकली अगर आपको ग्रो करना है, जैसे आप बड़े होते हो लाइफ के अंदर, जैसे छोटे बच्चे हैं अभी, जैसे आप ग्रो करेंगे तो आपकी मसल्स ग्रो करेंगी, बॉडी ग्रो करेगी, तो उस ग्रोथ के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स से आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। अब दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बेसिकली। पहला होता है ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटो, जैसे कि आप नाम समझ पा रहे हैं, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, तो वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो खुद वो करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं और से खाना लेकर आ रहे हैं, सपोज करो आटा लेकर आ रहे हैं, चावल लेकर आ रहे हैं, तो वो प्लांट्स ने उसके ऊपर काम कर रखा है और हम उसका जो न्यूट्रिशन है वो हम यूज कर रहे हैं बेसिकली। वेरस जो प्लांट्स होते हैं, यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखे हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, हम अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड H2O। जो इसे कहते हैं खुद बनाना, ऑटोट्रॉफिक। वेरियस हेटरोट्रॉफिक हो गया जो दूसरों से लिया जाता है फूड, न्यूट्रिशंस भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है, कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट एंड द कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नॉट यूज इमिडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट्स के अंदर अगर वो पूरी तरीके से यूज नहीं होते तो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस जिसकी मदद से जो प्लांट है वो अपना फूड खुद बनाता है। द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब प्लांट्स, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड देन कन्वर्ट इन टू कार्बोहाइड्रेट, जो अभी हमने पढ़ा, जो एनर्जी का एक सोर्स है, और इसको हमें यूज करना होता है किसमें? सनलाइट, इन द फॉर्म ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। द ग्लूकोज जो एनर्जी है प्रोड्यूस इन द इज नोन एज द फ्यूल। इसको हम फ्यूल बोलते हैं बिकॉज उनकी बॉडी को, जैसे हमारी बॉडी है, प्लांट की जो बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। द बाय प्रोडक्ट ऑफ द बायोकेमिकल प्रोसेस इज द ऑक्सीजन। अब इस पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो वो एक्सक्रीट करते हैं वो होता है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे उन्होंने एक केमिकल इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिल रही है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, जो कि प्रोड्यूस कर रही है C6H12O6, जो कि एक केमिकल फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो आपको मिल रहा है ऑक्सीजन। तो ये आपका केमिकल फॉर्मूला हो गया फोटोसिंथेसिस का। आगे उन्होंने दे रखा है रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। तीन रॉ मटेरियल हैं बेसिकली, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, वो कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिलती है, जो कहाँ से एंटर करती है? लीफ से एंटर करती है, जो कि अंदर पोर्स होते हैं, स्टोमेटा कहलाता है, और ये यूज होते हैं ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। वाटर मिलता है रूट से, मतलब सॉइल से, वहां से रूट्स के थ्रू एंटर करता है प्लांट में, और ये भी हेल्प करता है ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। और सनलाइट जो है डायरेक्टली कहाँ पे जाती है? इसके लीफ के अंदर एक
प्लेस होती है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर जाके उनका प्रोसेस बनता है। क्लोरोफिल आप समझ सकते हैं एक तरीके से आपका कंटेनर हो गया, जैसे हम खाना बनाते हैं वो कंटेनर की तरह काम करता है। वहां पर जाके सारी की सारी चीजें मिलती हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और वहां पे ग्लूकोज फॉर्म होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया। साइट का मतलब हो गया कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। आप बोलेंगे लीफ में होता है, बट लीफ में भी कहाँ पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्पेशल ऑर्गेनल्स नोन एज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और ग्रीन कलर जो है लीव्स को इस क्लोरोफिल की मदद से ही मिलता है। स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि प्रोसेस केमिकल प्रोसेस लगता है जहाँ पर वाटर को H2O को हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो लास्ट स्टेप होता है उसमें ग्लूकोज फॉर्म हो जाता है। तो ये तीन स्टेप का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। उससे पहले यहाँ पर एक फैक्ट दे रखा है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करते हैं क्लोरोफिल के अंदर और दिन के समय उसको ऊपर प्रोसेस करते हैं टू फॉर्म ग्लूकोज। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिएशंस। सो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये डिफरेंशिएट दे रखा है, यह आपका पहला आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू है, एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स मेक द फूड एंड ऑल्सो राइट द बायोकेमिकल रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है और ये आपको यहाँ पर लिखना है आंसर नंबर टू, और साथ में उसको केमिकल रिएक्शन भी लिखना है। तो ये आपको नीचे जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है वो लिखेंगे, ये हो गया आपका आंसर नंबर टू। आंसर नंबर थ्री, वॉट आर द रॉ मटीरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, हाउ आर दे हेल्पफुल इन द प्रोसेस। सो रॉ मटेरियल ये तीन है और इसका यूज कैसे है वो नीचे यहाँ पर दे रखा है, अभी हमने एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर थ्री। आंसर नंबर फोर, व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उसी के नीचे दे रखा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर है आपका आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, और बेसिकली क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपका साइट हो गया। एंड आंसर नंबर फाइव, राइट द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर तीन स्टेप्स इन्होंने दे रखे हैं, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर थ्री, तो ये हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया था। तो साइंस की वर्कशीट में इतना ही, आगे चलते हैं हम अपनी मैथ की वर्कशीट की तरफ। सो मैथ्स की वर्कशीट में जो वर्कशीट नंबर 22 है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के यहाँ पर उन्होंने प्रूफ भी दे रखा है, तो आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हम भी एक वीडियो प्रूफ की डाल देंगे, ताकि आप उसमें से अगर आप समझना चाहें तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है इसका, स्टेट एंड प्रूव द थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम को ही हम PPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं, उसको स्टेट एंड प्रूव करना है। स्टेट का मतलब होता है ये जो यहाँ पे लिखी गई है थ्योरम, ये स्टेटमेंट, इसको लिखना है आपको, और ये इसका प्रूफ है, ये आपको लिखना है। अब मैं इसके प्रूफ के ऊपर डिटेलिंग में नहीं जा रहा, बिकॉज वो अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा उसका, ताकि यहाँ पे वीडियो लंबी ना हो जाए। तो इसका कैसे यूज करना है, क्या इसका मतलब इंटरप्रिटेशन है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आइए चलते हैं इसके इंटरप्रिटेशन की तरफ और फिर क्वेश्चन नंबर वन, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट हिंदी की। आइए चलते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम BPT भी जानते हैं और थेल्स भी जानते हैं। थेल्स इसलिए क्योंकि जो मैथमेटिशियन जिसने, ग्रीक मैथमेटिशियन जो था जिसने ये थ्योरम के बारे में डिस्कवर करा था बेसिकली, उसका नाम थेल्स था। तो इसमें होता क्या है, मतलब क्या है, मैं वो समझा देता हूँ। पूरी थ्योरम आपकी वर्कशीट में वहाँ पर दे रखी है और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कार्ट में आपको मिल जाएगा, कि आपको पूरा थ्योरम का प्रूफ कैसे करना है वो समझाते हुए।
ये वर्कशीट बहुत लंबी हो जाती इसलिए मैं उसने उसको इसमें नहीं डाला, बट मैं BPT होती क्या है वो समझा देता हूँ। बट मेक श्योर वो थ्योरम की जो है वीडियो आप ज़रूर देखें, बिकॉज वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है, वो कहती है कि अगर एक ट्राइंगल हो, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं जैसे PQR, किसी भी एक साइड, पहले दो तीन ले लेता हूँ मैं और जैसा मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ABC एक ले लेते हैं ऐसा, ठीक है, आपको जो पसंद आ रहा हो वैसा वाले में देख सकते हैं। तो मैं तीनों में समझाऊंगा कि BPT होती क्या है। तो कहते हैं BPT की एक ट्राइंगल है, उसमें से किसी भी एक साइड के पैरल बना दो, कहीं से भी देखो पैरल बनानी है, ज़रूरी नहीं है कि बीच में से हो, पैरल बनानी, पैरल बना दी ये इसके पैरल, तो मैं इसमें बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये पैरल बन गई, इसके पैरल सपोज करो ये बन गई, थोड़ी ऊपर से बना देता हूँ। तो पैरल जानी चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, पैरल। तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो पैरल है इसको नाम दे देते हैं AB, इसको दे देते हैं PQ और इसको दे देते हैं MN। तो थ्योरम ये कहती है कि ये जो पैरल है, अगर पैरल हो, इफ अगर पैरल हो, तो ये जो साइड्स होती है ना PA अपॉन AQ, इसका रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसको प्रूफ देखना है, देखो मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो लिंक मिल जाएगा आपको, और अगर आपको खुद करके देखना है तो आप लाइन खुद बना के देखें, मेजर करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, जो इसका कॉमन पॉइंट होता है वहाँ से करना है। अब ये लाइन जो पैरेलल है इसका कॉमन पॉइंट क्या है, बी है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करना होगा। तो देखो BP अपॉन PA, BQ अपॉन QC, इसमें बताओ क्या होगा, इसमें कॉमन होगा ये वाला पॉइंट, कैसे, देखो पैरेलल है ना, ये मिलता है XN अपॉन MZ XN XN अपॉन NY। ये आपका BPT थ्योरम हो गई। अब इसके बेसिस पे जो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है वो भी देख लेते हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो वैल्यूज़ हैं फिगर, इसको रफ फिगर माने, ज़रूरी नहीं है कि ये देखो 1.8 बड़ा है, 7.2 छोटा है, ऐसा मत सोचें, बिकॉज़ ये रफ फिगर बनाया था तो बाद में बनाने के बाद पता चला कि ऐसे ऊपर नीचे हो गया। तो आगे चलते हैं, कैसे लिखना है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब बताओ ये इसके पैरेलल है ना, कैसे लिखेंगे, A हमारा हो गया ना पॉइंट, तो AD एंड DB, ठीक है, AE अपॉन EC, तो ये हमारी हो गई BPT यूजिंग BPT। यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब AD कितना है, X, BD कितना, 7.2 सेंटीमीटर में है, तो एंड में जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में डाल देंगे हम, अभी नहीं डाल रहा। AE कितना है, 1.8, और EC कितना है, 5.4, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, X=1.8/5.4×7.2। देखो डेसिमल की डिवीज़न नहीं आती हो तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर देखो डेसिमल डेसिमल हट गया क्योंकि एक के बाद है, तो 18 × 1 और ये 3। अब 7.2/3 होता है 2.1, गया इधर 4, 2.4 12। सो एक्स की वैल्यू आ गई 2.4 सेंटीमीटर। यही बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, और पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि जो सेकंड क्वेश्चन है स्टेट करना वो कैसे करना है, तो आप वहाँ से आप कॉपी कर लें। अब चल, अगर पसंद आया ये कंटेंट
तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। तो आइए स्टूडेंट्स, अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। ये है आपकी कार्य पत्रक नंबर 22 यानी कि वर्कशीट 22। ये 24 अगस्त की वर्कशीट है और ये वर्कशीट है, आपका पार्ट है लखनवी अंदाज, उस पर बनी ये वर्कशीट है। तो इस वर्कशीट में क्या है, इसमें है कि निम्नलिखित अंश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो आपको जो पार्ट है आपका लखनवी अंदाज, उसमें से एक अंश दिया गया है और उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके उसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जिनका आपको उत्तर लिखना है। तो लखनवी अंदाज जो पाठ है वो यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। तो इसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वो है यशपाल जी। और ये किस तरह का पाठ है, ये एक व्यंग्य है। अब व्यंग क्या होता है, तो व्यंग साहित्य की एक विधा या प्रकार है। तो साहित्य जो है, लिटरेचर जो है, उसी का एक टाइप है, जैसे कहानी होती है या कविता होती है, उसी तरह से एक उसका प्रकार है व्यंग, जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं। तो बात बात में, मजाक मजाक में इम्पोर्टेंट बात आप कह दी जाती है और वो इस तरह से कही जाती है कि सामने वाला या जो सुनने वाला है उसको बुरा भी नहीं लगता है। प्रस्तुत व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज यानी पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। तो ये जो पाठ है, इसमें सामंती समाज जो है, पूंजीपति जो वर्ग है, जो लैंडलॉर्ड्स का जो ग्रुप है, वो वाला वर्ग जिसमें लोगों के पास बहुत पैसा है, बहुत जमीन है, उन लोगों पर एक तरह से ये कटाक्ष किया गया है, व्यंग किया गया है, सरकाज्म किया गया है। और उसमें सरकाज्म करते हुए लेखक ने ये कहा है कि ये जो वर्ग है, ये जो सोशल ग्रुप है, इसमें लोग जो है वो वास्तविकता से यानी रियलिटी से बेखबर होते हैं। तो एक्चुअल में आपके आसपास क्या हो रहा है, वास्तव में आपके आसपास क्या हो रहा है, उन्हें इसकी खबर नहीं होती, उन्हें ये सब पता नहीं होता, बल्कि उनकी जो जीवन शैली होती है, उनका जो लाइफस्टाइल होता है, वो बहुत ही बनावटी होता है, उसमें कुछ रियलिटी नहीं होती है, वो बस अपनी ही दुनिया में जी रहे होते हैं। तो लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है, ऐसी लाइफस्टाइल को लेखक ने परजीवी संस्कृति कहा है। इस पार्ट में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब की दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है, जो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं, समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। तो लेखक ने इस पार्ट में ये जो समाज के बारे में बात की है, समाज के जिस वर्ग, पूंजीपति वर्ग के बारे में बात की है, तो उसके बारे में बात करते हुए उन्होंने लखनऊ के एक नवाब की जिंदगी का उदाहरण दिया है कि कैसे उनकी जिंदगी जो है बहुत ही बनावटी है। और वो वर्णन देते हुए वो क्या उदाहरण देते हैं, वो ये उदाहरण देते हैं कि ये जो नवाब हैं वो रेलगाड़ी में यात्रा करते हैं। तो लेखक ने जब ये लिखा था तब रेलगाड़ी में यात्रा करना बहुत बड़ा माना जाता था, तो आज के टाइम में हम बोलेंगे कि वो आए दिन प्लेन में घूमते हैं। तो उस समय के लिए रेलगाड़ी में यात्रा बहुत बड़ी बात थी, तो वो ऐसे बैलगाड़ी में या पैदल चल के नहीं जाते थे, बल्कि रेलगाड़ी में सफर करते थे वो नवाब जो थे। साथ ही साथ वो समय बिताने के लिए और शौक के लिए खीरा खरीदते थे, तो सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए वो खीरा खरीदते थे। और अब फिर वो खीरे के साथ क्या करते थे, इसका भी उसने, लेखक ने वर्णन किया है। सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते थे, लेखक के मना करने पर उस खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटते हैं, करीने से मतलब बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से काटते हैं, फिर जीरा मिलाकर नमक और मिर्च छिड़कते हैं और फिर से पुनः, मतलब फिर से लेखक से लेने का आग्रह करते हैं, उन्हें लेखक को फिर से बोलते हैं लीजिए खाइए। लेखक पहले इनकार किए जाने के संकोचवश मुंह में पानी के आ जाने के बावजूद भी दोबारा मना करते हैं। अब क्योंकि लेखक ने पहले मना कर दिया है खीरा खाने से, तो जब उनसे दोबारा पूछा जाता है तो वो अभी भी बहुत ज्यादा संकोच में आ जाते हैं, बहुत ही शर्मा जाते हैं, हालांकि उनके मुंह में पानी आ गया है उसको, खीरे को देखकर, लेकिन फिर भी वो मना कर देते हैं। अब नवाब साहब जो है वो खीरे की एक एक फांक को उठाते हैं और मुंह के पास ले जाते, नाक से सूंघते और खिड़की से बाहर फेंक देते। तो अब वो नवाब साहब क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए, शौक के लिए उन्होंने खीरा खरीदा, उन्हें अच्छे से धोया, पोंछा और फिर काटा और फिर अच्छे से मिर्च मसाला लगाया, लेकिन खाने के नाम पर वो उसे खाते नहीं है, बल्कि नाक से सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं।
तो यही एग्जाम्पल देते हुए लेखक ने ये लखनवी अंदाज के बारे में बताया है, एक व्यंग किया है इस वर्ग की जीवन शैली पर। इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, तो वो जल्दी से क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है यहाँ पर, व्यंग किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता होती है? बहुत ही इजी आंसर है, वर्कशीट में ही है। जैसा कि मैंने आपको कहा, आप यहाँ से इसका उत्तर लिखेंगे। व्यंग्य साहित्य की एक विधा है, एक प्रकार है, जिसमें मजाक मजाक में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती हैं और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता, और यही इसकी विशेषता है। तो यही आप आंसर वन में लिखेंगे। अब चलते हैं आपके प्रश्न दो पर। आपका प्रश्न दो कहता है, लेखक ने परजीवी संस्कृति किन लोगों के लिए कहा है? तो लेखक ने परजीवी संस्कृति पतनशील सामंती समाज, पूंजीपति वर्ग के लोगों के लिए कहा है। ये आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, यहाँ से आप देखकर आप उत्तर लिख सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न तीन पर। प्रश्न तीन आपका कहता है, नवाब साहब ने ऐसा क्या किया जिसे आप दिखावे की प्रवृत्ति कहेंगे? तो ऐसा क्या किया नवाब साहब ने? तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको डिस्क्राइब किया कि नवाब साहब ने क्या किया, तो आपको वही लिखना है। तो यहाँ से आप पूरा का पूरा ये लिखेंगे, नवाब साहब समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं, ये शुरू करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर दो शब्द और लिखेंगे, नवाब साहब, उसके बाद आप ये पूरा जो है पैराग्राफ, ये पूरा यहाँ तक आप लिखेंगे। तो ये जो है ये आपका आंसर थ्री हो जाएगा, और कहेंगे कि इससे पता चलता है कि नवाब साहब में दिखावे की प्रवृत्ति थी। अब चलते हैं आपके प्रश्न चार पर। तो प्रश्न चार आपका एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। इसमें कहते हैं कि जीवन में दिखावापन की मानसिकता का कोई एक उदाहरण देते हुए अपने अनुभव लिखिए। तो आपने कहीं आप अपने आसपास दिखावेपन की मानसिकता, ऐसी मेंटेलिटी देखी हो जहां पे सिर्फ शो ऑफ किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, उसका आपको उदाहरण देते हुए एक अपना अनुभव लिखना है। तो हमने भी यहाँ आपके लिए एक सैम्पल आंसर लिखा है, मैं आपको जल्दी से वो सैम्पल आंसर दिखा देती हूँ। तो इस सैम्पल आंसर में हमने लिखा है, दिखावापन जिसमें लोग जो है दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के फोन खरीदते हैं और हर महीने फोन बदलते हैं। अब फोन, मोबाइल फोन तो जो है किसी भी ब्रांड का आप लें, कोई भी अच्छी नॉर्मल ब्रांड का भी आप लेंगे, तो वो वही काम करेगा जो कोई और ब्रांड का करेगा, जैसे कि फोटो खींचना या अपने अपनों से बात करना या गाने सुनना या पढ़ाई के लिए उसका प्रयोग करना। लेकिन फिर भी लोग सिर्फ दिखाने के लिए या तो बड़े बड़े ब्रांड का लेंगे फोन, जैसे आईफोन हो गया, 50-50 हज़ार के, 60-60 हज़ार के फोन लेंगे, या आजकल वन प्लस फोन चल रहा है उसके फोन लेंगे, और हर महीने, ये नहीं कि एक बार ले लिया तो चलो उसे अच्छे से 4-5 साल चलाया, बल्कि हर महीने सिर्फ दिखाने के लिए वो फोन भी बदलते रहते हैं। तो हमने जो है उसी के ऊपर यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। आप चाहें तो आप कि अपने आसपास आपने कोई दिखावापन का उदाहरण देखा हो तो आप बिल्कुल वो लिख सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग घड़ियां लेते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग जूते पहनते हैं। भाई एक जो नॉर्मल काम एक जूता जो कर सकता है वो उसको ना देखते हुए सिर्फ दिखाने के लिए अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीकों के जूते, जूते कपड़े या अलग अलग चीजें लेते हैं। अगर आप बिल्कुल ही एक्सट्रीम एग्जाम्पल में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसकी भी बात कर सकते हैं कि कैसे सिर्फ दिखाने के लिए लोग करोड़ों की शादियां भी करते हैं, जिसमें कि करोड़ों रुपए खर्च करके और डेकोरेशन पे, खाने पे, जहाँ कहाँ लोग आ पाते हैं इतने और कहाँ लोग इतना खा पाते हैं, सिर्फ लेकिन दिखाने के लिए लोग उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपने भी एग्जाम्पल्स, अपने भी उदाहरण यहाँ लिख सकते हैं इस सैम्पल आंसर से आइडिया लेकर। उम्मीद करते हैं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही हम आपको आंसर दिखाएं वर्कशीट में, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज के लिए इस वर्कशीट में इतना ही है। थैंक यू।